नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आपके हाथ में ये शुभ चिन्ह है तो आप जीवन में अवश्य अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप अपने फादर की प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठाएंगे और आप एक से अधिक प्रॉपर्टी का लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन में होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। हमारे जो जीवन में एक एक एक्टिविटी होती है वो जीवन रेखा के ऊपर अंकित होती है, उसके बारे में बताती है। अब ये हमारी मस्तिष्क रेखा। हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं, कितना विचारों में जाते हैं, कितनी गहराइयों तक जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये हमारी हृदय रेखा। हम किसी इमोशनल के प्यार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं या हमारा जो प्रेम संबंध है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी हृदय रेखा बताती है। आज हमने तीन चार चिन्ह ऐसे आपको बताएंगे, अगर आपके हाथ में ये प्रॉपर चिन्ह है तो आप जीवन में अवश्य आप अपने मकान के, अपने पेरेंट्स के मकान के और आपके खुद के इंडिपेंडेंट मकान का मालिक बनेंगे। सबसे पहले ये हमारा मंगल का क्षेत्र है, इसको हम मंगल का क्षेत्र बोलते हैं, मंगल का पर्वत बोलते हैं। हस्तरेखा में मंगल पर्वत के दो स्थान दिए गए हैं, ये निम्न मंगल का पर्वत है और ये उच्च मंगल का पर्वत है। मंगल जैसे पराक्रम का कारक माना जाता है, एनर्जी का कारक माना जाता है, वैसी अगर हस्तरेखा में यहां पर स्टार बनता है, स्टार एनर्जी को, ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, ये पावर को उसकी बढ़ा देता है। कहीं भी स्टार होता है उसकी पावर को एम्प्लीफाई कर देता है। और अगर हस्तरेखा में यहां पर आपके निम्न मंगल पर्वत के ऊपर स्टार बनता है तो आप जीवन में अवश्य अगर मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं या जमीन से जुड़े कारोबार करते हैं तो उसमें अवश्य आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अच्छे मकान या जमीन के कारोबार करते हैं तो उसमें अधिक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी के साथ ही हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा के ऊपर ये त्रिकोण बनता है। त्रिकोण कहीं भी बनता है, प्रॉपर्टी का कारक बनता है, पैसे की सेविंग का कारक बनता है, आपकी ग्रोथ के बारे में बताता है, आपकी स्टेटस के बारे में बताता है। जितना बड़ा आपके हाथ में इस जीवन रेखा के ऊपर ये आपका त्रिकोण बनता है जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, ये आपके पैसे के बारे में बताता है, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ऐसे लोग कई प्रॉपर्टियां बनाते हैं, जिसके हाथ में जितना अधिक प्रॉपर्टी का योग बनेगा, ये हमारे अगर हाथ में ये त्रिकोण बनता है उतनी अधिक मात्रा में उसकी प्रॉपर्टी बनेगी। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी का साइन देखते हैं, ये हमारा गुरु का क्षेत्र है। गुरु का क्षेत्र वैसे भी ग्रहों का विस्तार का ग्रह माना जाता है। गुरु और शुक्र का मिल जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है, इंसान तरक्की करता है। तरक्की के दम पर एक तो पैसे का कारक माना जाता है, गुरु मान सम्मान का कारक माना जाता है, अगर शुक्र का संकेत मिल जाए तो ऐसे लोग वैवाहिक जीवन और लग्जेरियस लाइफ का आनंद उठाते हैं। अगर ये दोनों पर्वत का कॉम्बिनेशन है तो जीवन में अवश्य आपको आपकी जो लाइफ है काफी खुशहाल मानी जाएगी। और यहां पर त्रिकोण इस चीज के बारे में व्यक्त कर रहा है कि अगर आपके हाथ में जितना बड़ा त्रिकोण होगा उतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक आप बनेंगे, उतनी प्रॉपर्टी आप अपने दम पर बनाएंगे। और ये प्रॉपर्टी का जो योग है ये हमारी भाग रेखा है। भाग रेखा हमारी केतु के पर्वत से चलती है तो इसका मतलब हमारा जो विकास हुआ है हम अपने दम पर करेंगे, अपनी मेहनत पे करेंगे, अपने बल पे करेंगे। और भाग रेखा जितनी मजबूत होगी उतना हमारा भाग पर्वत है, हमारा भाग प्रबल है।
और ये जो शनि का क्षेत्र है, ये शनि का पर्वत है, इसके ऊपर पहुंचने का मतलब अगर आपकी भाग्य जो होता है ना काफी समृद्धि वाली है, काफी अच्छी है और काफी बेहतरीन है, और इस भाग्य रेखा में कोई दीप ना हो, कोई क्रोश ना हो, कोई तिल ना हो, अगर ये चीजें आपको इस रेखा में मिलती हैं तो आपके भाग्य को गिराने का काम करते हैं, आपके भाग्य में नुकसान का काम करती हैं। अगर ये भाग्य रेखा प्रबल है तो आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे लोग सुख समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं, महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं। और इसी के बाद ये यहां पर ये जो हमारा शनि का पर्वत है, शनि के पर्वत के नीचे अगर वर्गाकार बनता है, ये आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि आपको अपनी लाइफ में पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, आपके हक में वो प्रॉपर्टी आएगी। अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर दीप है, तिल है, क्रोश है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो मुकदमेबाजी के योग में मानी जाएगी। आपको प्रॉपर्टी अपने फादर की लेने में काफी दिक्कतें महसूस करनी पड़ेगी, काफी दिक्कतें आएंगी, कोर्ट कचहरी की मुसीबतें आ जाती हैं अगर यहाँ पे ये चिन्ह पाया जाता है तो। अब इसी के साथ ये सूर्य का पर्वत है, सूर्य के पर्वत के ऊपर ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के ऊपर अगर ये वर्गाकार बनता है, ऐसे लोग अपने जीवन में एक से कई प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं और जीवन में अपने दम पर, अपनी मेहनत पर अपने मकान के मालिक बनते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।